सीएपीएफएसी 2022 इंटरव्यू सीरीज में जो हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख रहे हैं, तो टुडे वी विल सी पॉइंट नंबर 20। पॉइंट नंबर 20 ये कहता है कि लाइफ में आपके कुछ भी मिस्टेक्स हुए हैं, इफ यू हैव कमिटेड एनी मिस्टेक्स और समथिंग रॉन्ग हुआ है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप खुद लो। इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। यू शुड से इट वॉज माई मिस्टेक, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट थिंग। लेकिन इफ समथिंग गुड हैपेंस, गिव क्रेडिट टू अदर पर्सन ऑल्सो। हमारे टाइम के एक फेमस पर्सनालिटी, वी आर फॉर्चुनेट इनफ कि हमने उनके टाइम में अपने जीवन को जिया, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, एक्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो उनकी बुक्स वगैरह को पढ़ोगे तो आपको बहुत सारी चीजें मिलेगी। और इसमें से यह है कि हमारे कुछ बॉसेस थे, मैं फॉर्चुनेट इनफ हूं कि मुझे कुछ ऐसे बॉसेस मिले जिन्होंने हर वक्त मुझे जहां जैसे हेल्प करना था किया। यदि कोई प्रोजेक्ट फेलियर हुआ तो उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लिया कि आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस फेलियर। बट जब सक्सेस हुआ तो उन्होंने अपने टीम को आगे कर दिया कि दीज आर द ज्वेल्स, दीज आर माई जेम्स हु हैड वर्क। आई वॉज जस्ट अ फैसिलिटेटर, और लेकिन इन लोगों की मेहनत के कारण यह प्रोजेक्ट सक्सेस हुआ है। सेम सिचुएशन आपके पास होनी चाहिए। कुछ एक ऐसे टाइम होते हैं जब रियल में हमारी गलती नहीं, हमेशा ध्यान रखो। लेकिन एक अच्छा पर्सन वही है कि टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम योर ऑन। जब क्रेडिट देने की हो तो सबको दो। बहुत सारी सिचुएशंस ऐसे आते हैं जब कुछ चीजें हमारे बियॉन्ड कंट्रोल में होती है और वो गलतियां हो जाती है। तो ये एनएल नहीं है कि आप बोर्ड के ड्यूरेशन में वो गलती कर रहे हैं, इंटरव्यू के ड्यूरेशन में नहीं, आपके डीएफ में कुछ ऐसी स्टेटमेंट है, कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको इंटरव्यू बोर्ड ने पकड़ा, जिनको इंटरव्यू बोर्ड ने नोटिस किया कि हेयर व्हाई दिस थिंग हैपेंड, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तो ऑलवेज रिमेंबर कि यदि कुछ मिस्टेक्स हैं, कुछ सिचुएशन ऐसे हुए हैं, तो ये अपने आप को करो, अपने आप को ब्लेम दो कि यस आई वॉज रिस्पॉन्सिबल, आई एम रिस्पॉन्सिबल, एट दैट टाइम आई वॉज नॉट अवेयर, मेरी ये जिम्मेदारी थी कि यस मुझे अच्छी तरीके से चीजों को पढ़नी चाहिए। अब जस्ट फॉर एग्जाम्पल लो कि किसी के फैमिली की इनकम बहुत ज्यादा नहीं है। हर कोई ऐसे तो नहीं होंगे ना जिनके फैमिली की इनकम करोड़ों में होता है, कुछ ऐसे हैं जिनके पास स्थिति बहुत खराब है फाइनेंशियल कंडीशन में। अब ये बोला जाए कि क्या आपको लगता है कि आपकी फाइनेंशियल स्टेटस जो है वो आपके फेलियर के लिए जिम्मेदार है? अब बोलोगे कि नो, हम इस इरा में रह रहे हैं जहां इंफॉर्मेशन के लिए या चीजों को के लिए बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करने की जरूरत भी नहीं है। यस स्टडी इज कॉस्टली, नो डाउट आपको बहुत सारी चीजें खर्च करनी पड़ती है, लेकिन ये भी सच है कि बहुत सारी चीजें कॉस्टली नहीं है यदि हम डेडिकेटेड हों, डिटरमिंड हों। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आज के डेट में ले, बहुत सारे लोग हैं घर से बाहर रह करके रूम लेकर के रहते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो 3,000 भी रूम रेंट पे कर रहे हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो 20,000 भी रूम रेंट पे कर रहे हैं। तो जो 3,000 रूम रेंट पे कर रहा है वो ये नहीं कर सकता ना कि शायद मेरे पेरेंट्स के पास भी 20,000 रेंट पे करने के लिए होता तो मैं बहुत अच्छा कर गया हुआ होता। नो, ये हो सकता है 20,000 रूम रेंट पे करने वाले ये सेलेक्ट ना हो, लेकिन ये 3,000 करने वाले हो। अब मान के चलो किसी के पास 3,000 भी रूम रेंट पे करने का नहीं है, सोचेगा जब मुझे रूम रेंट पे करने का नहीं है तो मैं फिर ट्यूशन कोचिंग ये सब की कैसे। तो वो बंदा घर में भी रह सकता है, हो सकता है, आई नो कि प्रॉब्लम उसके घर में बहुत ज्यादा हो सकता है। तो ठीक है, यदि आप बहुत अधिक देर नहीं कर सकते हो, कुछ ऐसे टाइम आप अपने शेड्यूल बनाओ जहां की जिस समय पीसफुल थोड़ा हो, जो चीजें हैं, जो रिसोर्सेस आपके हैं, जितनी आपके पास क्षमता है आप उसको पहचानो, उसके आधार पे करो। तो कभी भी हम जो प्रॉब्लम अपने पूरे कायनात पे नहीं डालने की कोशिश करेंगे, हम रिस्पॉन्सिबल हैं। यदि हम फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं सेलेक्ट हो रहे हैं या सेकेंड अटेम्प्ट में या जो भी है, तो हम रिस्पॉन्सिबल हैं। कुछ मार्क्स कम आए तो हम रिस्पॉन्सिबल हैं, यूनिवर्सिटी रिस्पॉन्सिबल नहीं है।
समटाइम फॉर एग्जाम्पल है कि यस योर अकेडमिक्स तो बहुत अच्छा है, ये 10th 12th में बहुत अच्छा किया, ग्रेजुएशन में अचानक 58% आ गया, पोस्ट ग्रेजुएशन में पता चला 56% आ गया, 57% आ गया, तो क्या यूनिवर्सिटी रिस्पॉन्सिबल है? नहीं, आपको बोलना है कि आई एम रिस्पॉन्सिबल। मैंने शायद उस समय उस चीजों को ध्यान नहीं दिया क्योंकि मुझे कम्पिटेटिव एग्जाम्स का भी प्रिपरेशन करना था और साथ में उसको भी, तो शायद मेरे लिए अकेडमिक्स उस टाइम ड्यूरेशन में जो हमने सोचा था तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं था। तो ऑलवेज रिमेंबर, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर मिस्टेक्स इफ एनीथिंग रॉन्ग हैपेंड, बट गिव ड्यू क्रेडिट टू अदर्स। कि आई एम लकी इनफ, आई एम फॉर्चुनेट इनफ कि मुझे ऐसे पेरेंट्स मिले जिन्होंने समस्याओं के बावजूद भी हमें एजुकेशन में कभी बाधा नहीं दिया। उन्होंने स्ट्रगल किया, आई नो दैट, आई एम वेल अवेयर अबाउट दैट, लेकिन हमारी लाइफ पे प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, उन्होंने अपनी क्षमता के अनुसार जो भी किया वो सही किया। ओके, कुछ भी क्वेश्चंस, क्यूरी, डाउट्स होता है, या आपको इंटरव्यू गाइडेंस या मॉक इंटरव्यू चाहिए तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर 8527146498 या इस टेलीग्राम नंबर 7404909066 पे। ओके, थैंक यू।